आसमान से गिरा। न खजूर पर अटका, न जमीन पर टपका, उसे आसमान निगल गया। या खा गई अमेरिकी जमीन, वो कौन था, कहां से आया था, प्लेन में बैठकर उसे कहां जाना था, पचास साल से वो बना हुआ है मिस्ट्री। लाखों डॉलर ब्रीफकेस में लेकर कहां गायब हो गया डीबी कूपर। राज बाकी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। एक ऐसा शख्स जिसे फ्लाइट में जाते हुए देखा गया लेकिन वो प्लेन से कभी उतरा ही नहीं। ऐसा शख्स जिसे दोबारा कभी भी किसी ने भी नहीं देखा। वो कहां से आया था और कहां चला गया ये भी पता नहीं। एक शख्स जो प्लेन में बैठा लेकिन उतरा नहीं, वो न जिंदा मिला न मुर्दा। वो कहां गया और उससे भी बड़ा सवाल, वो कौन था। आज भी वो शख्स दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज भी उस शख्स तक पहुंच पाना नामुमकिन बना हुआ है। 49 साल बाद भी है ये राज बाकी। उसने पहना था बेहद महंगा सूट, पोर्टलैंड से सिएटल था उसका रूट। हार्ड कपाने वाली सर्दियों की दोपहर, प्लेन में सवार हुआ था डीबी कूपर। वो थैंक्सगिविंग डे से ठीक पहले वाली दोपहर थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। त्योहार से पहले अमेरिकी एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ न के बराबर थी। काले रंग का ओवरकोट और काले सूट पैंट पहना हुआ करीब 40 साल का एक शख्स हाथ में काला ब्रीफकेस लिए एयरपोर्ट पहुंचा। वो तारीख थी 24 नवंबर 1971 जब ये शख्स पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर गया और इस सूट बूट वाले शख्स ने पोर्टलैंड से वॉशिंगटन के सिएटल एयरपोर्ट का वन वे टिकट खरीदा। टिकट खरीदने के लिए शख्स ने जो पहचान बताई, वो पहचान दुनिया में एक राज बनने वाली थी। वो नाम जिसके पीछे दुनिया की सबसे तेज तर्रार सुरक्षा एजेंसी भी करोड़ों डॉलर खर्च करने वाली थी। ये वो नाम था जो दशकों तक अखबारों की सुर्खियां बनने वाला था। इस शख्स ने अपना नाम डैन कूपर बताया था। छत्तीस पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार हुए। ये बोइंग 727 प्लेन था जिसके पिछले दरवाजे के करीब की सीट नंबर 18C पर डैन कूपर बैठ गया। तय समय पर दोपहर 2:50 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। सिएटल जाने के लिए फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही थी और उसी वक्त डैन कूपर ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी।
उस शख्स ने अपने ब्रीफकेस को लगेज कंपार्टमेंट में नहीं रखा था। हाथ में ब्रीफकेस लेकर ही डैन कूपर बैठा हुआ था। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और डैन कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास आने का इशारा किया। उसने बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। इस फ्लाइट में 70 से ज्यादा सीट खाली थी। बेहद कम पैसेंजर्स के साथ ही फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। डैन कूपर के बेहद करीब ही फ्लाइट अटेंडेंट के बैठने की सीट थी, जहां फ्लोरेंस नाम की एक खूबसूरत एयर होस्टेस बैठी हुई थी। डैन कूपर ने फ्लोरेंस को अपने करीब बुलाया और उसके हाथ में थमाया कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा। फ्लोरेंस को लगा कि डैन कूपर कोई बिजनेसमैन है और कागज पर उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर उसे दिया है। लेकिन फ्लोरेंस ने जैसे ही कागज को खोलकर पढ़ा तो उसके होश फाख्ता हो गए। क्या लिखा था कागज के उस टुकड़े पर और ऐसा क्या होने वाला था जो बनने वाला था राज। डैन कूपर, ये वो नाम था जो 1971 में अमेरिका के एक प्लेन में चढ़ने वाले शख्स ने टिकट खरीदते वक्त बताया था। करीब 5 घंटे तक अमेरिका का प्लेन उसके कब्जे में रहा और डैन कूपर ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा अमेरिका हिल गया। 2:50 पर पोर्टलैंड से फ्लाइट टेक ऑफ हुई। आधा घंटे में इस नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट को सिएटल में लैंड करना था, लेकिन ये 30 मिनट इस फ्लाइट के लिए बेहद लंबे होने वाले थे। इन 30 मिनटों में फ्लाइट में सवार 35 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स की जान आफत में पड़ने वाली थी। कागज का एक टुकड़ा, इस कागज में जो लिखा था उसे पढ़कर फ्लाइट अटेंडेंट की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस पेपर में टाइप किया हुआ एक नोट लिखा हुआ था। कागज पर अंग्रेजी में लिखा था कि मेरे पास मम है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे करीब बैठ जाओ। नोट पढ़ते ही फ्लोरेंस डैन कूपर के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। एयर होस्टेस के बैठते ही डैन कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 छड़ें रखी हुई थी, जो कुछ तारों से एक दूसरे से कनेक्टेड थी। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक हो चुकी थी। घबराई हुई फ्लोरेंस कुछ समझ पाती। इससे पहले ही डैन कूपर ने एक पेपर पर पेन से कुछ लिखा और कहा कि इसे हवाई जहाज के कैप्टन तक पहुंचा दो। कागज के इस टुकड़े पर डैन कूपर ने अपनी डिमांड्स लिखी थी। पेपर पर कूपर ने लिखा था कि उसे 2 लाख अमेरिकी डॉलर कैश चाहिए, पूरा कैश $20 के नोट में होना चाहिए, और लिखा था कि उसे 4 पैराशूट चाहिए, जिनमें से 2 फ्रंट पैराशूट हों और बाकी 2 बैक पैराशूट। एक और डिमांड थी जो इस लेटर में लिखी हुई थी। डैन कूपर की प्लानिंग में काफी कुछ और भी बाकी था। लेटर की आखिरी लाइन में लिखा था कि जब ये प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए एक फ्यूल टैंकर पहले से मौजूद होना चाहिए, और लिखा था कि मांगे नहीं मानी गई तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। फ्लोरेंस डैन कूपर के लिखे हुए नोट को लेकर कॉकपिट में चली गई और टीना मक्लो नाम की दूसरी एयर होस्टेस डैन कूपर और प्लेन कैप्टन विलियम्स के बीच फोन के जरिए संपर्क का जरिया बनकर कूपर के करीब बैठ गई। कैप्टन विलियम्स ने डैन कूपर की डिमांड्स सिएटल की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बता दी। प्लेन सिएटल एयरपोर्ट के ठीक ऊपर पहुंच चुका था। उधर पुलिस और FBI को एक्टिव कर दिया गया था। सिएटल में हड़कंप मच गया था और पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर भी FBI पहुंच गई थी। लेकिन डैन कूपर का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। कूपर को पहले ही पता था कि प्लेन लैंड हुआ तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने कैप्टन को आदेश दिया कि जब तक उसकी तीनों मांगे पूरी नहीं होती प्लेन लैंड नहीं करेगा।
प्लेन हवा में चक्कर लगाने लगा। अगला डेढ़ घंटा बोइंग 727 के यात्रियों के लिए कई साल के बराबर गुजरने वाला था और डैन कूपर कुछ ऐसा करने वाला था जिससे पूरा अमेरिका हिलने वाला था। तो प्लेन में बैठे बैठे ही डैन कूपर ने रैंसम वसूली, वो भी एफबीआई से। वो प्लेन से कभी उतरा भी नहीं, लेकिन उसके हर हुक्म को एफबीआई को मानना पड़ा। ऐसा नहीं कि एफबीआई ने उसे पकड़ने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन हाईजैकर डैन कूपर की प्लानिंग एफबीआई की प्लानिंग से 21 ही साबित हुई। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां डैन कूपर को पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी और दूसरी तरफ हाईजैकर की डिमांड पूरी करने की भी कोशिशें जारी हो गई थी। $20 की शक्ल में $2,00,000 किसी बैंक में मिलना बेहद मुश्किल था, इसीलिए एफबीआई ने सिएटल के सभी बैंकों से संपर्क किया। करीब 10 बैंकों का चक्कर लगाने के बाद एफबीआई $2,00,000 जुटा पाई। इधर रनवे के करीब ही नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस के प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए फ्यूल टैंकर तैनात कर दिया गया, लेकिन एक डिमांड अब भी बाकी थी जिसे पूरा करना परेशानी बन रहा था। बेहद कम समय में पैराशूट्स का मिलना मुश्किल भरा काम था। कूपर ने ऑर्डर दिया था कि पैराशूट आर्मी या एयरफोर्स के नहीं होने चाहिए, वो आम लोगों के इस्तेमाल वाले पैराशूट्स होने चाहिए। इसीलिए एक स्काई डाइविंग स्कूल से संपर्क किया गया। सिएटल के दूसरे छोर पर स्काई डाइविंग स्कूल था जहां से चारों पैराशूट एयरपोर्ट लाए गए। इन पैराशूट्स के जरिए डीबी कूपर क्या करने वाला था? क्या इस पूरे प्लान में कूपर के साथ कोई और भी शामिल था जो पैराशूट से गिराए जाने वाले डॉलर्स के बैग को अपने साथ ले जाने वाला था? डीबी कूपर की सभी मांगे मान ली गई थी। इधर हवा में चक्कर लगा रहे प्लेन का ईंधन खत्म होने को था। प्लेन करीब डेढ़ घंटे से हवा में सिएटल एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा था। हाईजैक हुए प्लेन को सिएटल में दोपहर 3:20 पर लैंड करना था, लेकिन शाम 5:25 तक प्लेन हवा में ही चक्कर लगा रहा था। शाम करीब 5:26 पर एटीसी ने कैप्टन विलियम्स से संपर्क किया और डैन कूपर से प्लेन को लैंड करने के लिए कहा। कूपर को जब पूरा भरोसा हो गया कि कोई गड़बड़ नहीं की गई है, तब उसने शाम 5:40 पर प्लेन को लैंड करने के लिए कहा, लेकिन इस प्लेन को दूसरे प्लेन से दूर अलग रनवे पर लैंड करने को कहा गया था। डैन कूपर बेहद शातिर था। उसने हवाई जहाज की सभी खिड़कियों के कवर गिरवा दिए थे, यानी बाहर से प्लेन के अंदर देख पाना नामुमकिन था। कूपर का ऑर्डर था कि पैसे और पैराशूट्स लेकर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का एरिया मैनेजर ही प्लेन में दाखिल होगा। यदि कोई दूसरा शख्स पैसे लेकर आया तो प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। मैनेजर प्लेन में दाखिल होकर पैसे और पैराशूट हैंडओवर करता है। प्लेन की रिफ्यूलिंग शुरू की जाती है। अब भी 35 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स प्लेन के अंदर ही मौजूद थे। आखिर कूपर की प्लानिंग क्या थी? क्या वो यात्रियों को नुकसान पहुंचाने वाला था? प्लेन में ईंधन भरने के बाद डीबी कूपर सभी 35 यात्रियों को सिएटल एयरपोर्ट पर उतार देता है। एयर होस्टेस फ्लोरेंस और उसकी एक और साथी को भी एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। अब प्लेन में सिर्फ 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 क्रू मेंबर्स थे और एक था हाईजैकर डैन कूपर। प्लेन एक बार फिर रनवे पर दौड़ना शुरू करता है और प्लेन की रफ्तार भरते ही शुरू होता है इस पूरी हाईजैकिंग का सबसे अहम फेज। डीबी कूपर का शातिर दिमाग अब क्या करने वाला था? क्या वो प्लेन को लेकर ही गायब होने वाला था, या फिर चलते प्लेन से गायब होने का कोई प्लान तैयार किया गया था? डीबी कूपर, जो फिरौती की रकम के साथ एक हवाई जहाज में था, उसे पकड़ने के लिए एयरफोर्स को लगा भी दिया गया था, लेकिन ना तो एयरफोर्स को उसके गायब होने की भनक लगी, ना ही एफबीआई उस शख्स को दोबारा कभी
खोज पाई। एक तरफ प्लेन में रफू चक्कर होने की प्लानिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ सिएटल एयरपोर्ट पर एफबीआई इस हाईजैकर को पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी। हाईजैकर को जो नोट दिए गए थे वो सभी एक ही सीरीज के थे, जिनके नंबर एफबीआई के पास थे। इधर एफबीआई पूरी तरह आश्वस्त थी कि हाईजैकर डैन कूपर बचकर भाग ही नहीं सकता, उसे हर हाल में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन डैन कूपर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम करीब 7:40 पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का प्लेन एक बार फिर उड़ने को तैयार था। प्लेन ने जैसे ही रनवे पर दौड़ना शुरू किया, डैन कूपर ने कैप्टन को अपना अगला फरमान भी सुना दिया। कूपर ने कहा कि प्लेन को किसी भी वक्त 10,000 feet से ज्यादा की ऊंचाई पर न उड़ाया जाए, प्लेन की स्पीड को मिनिमम रखा जाए और इस प्लेन को मेक्सिको की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मेक्सिको का नाम सुनते ही कैप्टन विलियम्स सहम गए। उन्हें लगा कि प्लेन अब अमेरिका से बाहर ले जाया जा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, डीबी कूपर ने अगला आदेश जारी कर दिया। इस बार कूपर ने कहा कि प्लेन को उड़ते रहने दिया जाए और पीछे वाला दरवाजा अनलॉक कर दिया जाए। खुले दरवाजे और कम हाइट पर उड़ने की वजह से प्लेन में ईंधन की खपत ज्यादा हो रही थी। कैप्टन ने कूपर को समझाया कि स्पीड से मेक्सिको पहुंचने से पहले ही फ्यूल खत्म हो जाएगा। तब कूपर ने प्लेन को मेक्सिको के करीब अमेरिका के नेवादा में रेनो एयरपोर्ट पर उतारने का आदेश दिया। रात करीब 8:05 पर कूपर ने फ्लाइट इंजीनियर और दूसरे क्रू मेंबर को भी कॉकपिट में जाने का आदेश दे दिया। करीब 5 बाद प्लेन में एयर प्रेशर बढ़ने लगा और जब को पायलट ने कॉकपिट से निकलकर चेक किया तो पिछले दरवाजे को खुला पाया। उसने दरवाजा बंद किया और वापस कॉकपिट में आ गया। इधर एफबीआई के आदेश पर इस प्लेन के साथ साथ एयरफोर्स के 2 उड़ रहे थे। उन्हें आदेश था कि प्लेन से कोई बाहर कूदे तो उस पर नजर रखी जाए। रात करीब 10:15 पर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्लेन के लैंड होने के कुछ देर बाद सभी क्रू मेंबर्स प्लेन से बाहर निकल आते हैं। कमांडोज प्लेन में दाखिल हुए, प्लेन के हर इंच को छान लिया गया, लेकिन डीबी कूपर का कहीं पता नहीं चला। न तो पैसों का बैग प्लेन में था, न ही डीबी कूपर का कुछ अता पता था। एयरफोर्स के पायलट्स को भी डैन कूपर का कुछ पता नहीं था। रात के स्याह अंधेरे में डैन कूपर गायब हो चुका था। वो एक राज बन चुका था। वो एक राज बन चुका था और कई सारे राज बाकी हैं। एफबीआई ने डैन कूपर की तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सालों तक अलग अलग इन्वेस्टिगेटर काम करते रहे, लेकिन कूपर उनके लिए जैसे एक भूत बन गया था। डीबी कूपर उर्फ डैन कूपर गायब था। वो न तो प्लेन में मौजूद था, न ही वो एयरपोर्ट पर उतरा था। एयरफोर्स के पायलट्स ने कहा कि पूरे रास्ते में कहीं भी डैन कूपर प्लेन से नहीं कूदा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह बादल छाए हुए थे और रात के अंधेरे में ठीक से देख पाना मुमकिन नहीं था। अब एफबीआई ने डैन कूपर की तलाश शुरू की। न तो $2,00,000 का कुछ पता था, न ही कूपर का कोई सुराग था। एफबीआई ये भी कह रही थी कि जिस जगह कूपर प्लेन से कूदा वहां जमीन तक जिंदा पहुंचना नामुमकिन है। फिर भी सिएटल से रेनो एयरपोर्ट के पूरे रास्ते पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई दिन तक तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। एफबीआई ने कहा कि जिस जंगल के इलाके में वो कूदा वहां जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन डैन कूपर की डेड बॉडी भी बरामद नहीं हुई।
प्लेन के स्टाफ से पूछकर डैन कूपर का स्केच बनाया गया, लेकिन उस स्केच से मिलता जुलता कोई इंसान अमेरिका में नहीं मिला। 800 लोगों को शक के आधार पर डिटेन किया गया, लेकिन किसी का भी लिंक डैन कूपर से नहीं जुड़ा। इस घटना के करीब 20 साल बाद 1991 में एक लड़के को दो पैकेट मिले जिनमें 20-20 डॉलर के नोट थे। ये पैकेट जहां मिला वो इलाका सिएटल और रेनो के रूट पर था। ये वही नोट थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। FBI ने एक बार फिर उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई दूसरा सुराग हाथ नहीं लगा। प्लेन हाईजैकिंग के इस वाकये के 46 साल बाद 2017 में FBI ने हार मान ली। FBI ने कहा कि वो इस केस को सुलझा नहीं सकते, न तो वो डीबी कूपर का कोई पता लगा पाए और ना ही $2,00,000 को बरामद कर पाए। डैन कूपर उर्फ डीबी कूपर अब भी अमेरिका के इतिहास में राज ही बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कूपर का आज तक पता नहीं चला, लेकिन उसे लेकर कहानियां ढेरों बनती रही। एक गांव में तो कूपर के नाम से सेलिब्रेशन आज भी होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन था, कहां से आया था और फिरौती की रकम लेकर कहां गायब हो गया। वो राज आज भी बाकी है।